अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप की आज की क्लास के अंदर हम पेन टूल को सीखेंगे। पेन टूल क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फ़ोटोशॉप की न्यू क्लासेस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पेन टूल हमारे पास यहाँ पे, अगर आप सिंपल पी प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो माउस का कर्सर है वो भी क्या हो गया, पेन में चेंज हो गया। ठीक है, पेन टूल लास्ट दो क्लासेज जो हैं वो मैंने मास्क के ऊपर पढ़ाई थी, मास्किंग के ऊपर। तो पेन टूल भी मास्किंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी शेप्स कस्टम शेप्स वगैरह बनानी हो वो भी बना सकते हैं। अगर हमने कोई पाथ डिफाइन करना है तो हम वहाँ पे पाथ भी डिफाइन करने के लिए पेन टूल को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो है, आप ये समझें कि अच्छी शेप्स वगैरह वेक्टर शेप जो हैं वो हम इससे क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे वैसे हमारे पास शेप टूल भी है, शेप्स में यहाँ पे हमारे पास इसमें रेक्टेंगल, एलिप्स और ये कस्टम शेप्स वगैरह दी हुई हैं, लेकिन पेन टूल से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अपनी शेप्स बना कर सकते हैं। जैसे मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, ऊपर यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ ऑप्शन आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको शेप के बारे में बता दूं कि शेप क्या होती है। शेप जैसे लेट्स सपोज मैंने पेन टूल से क्लिक किया तो हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे एक लेयर ऐड हो गई है शेप्स की। ठीक है, और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। दूसरा कहीं भी एंकर पॉइंट मैं क्लिक करूँगा सिंपल तो ये क्या करेगा, लाइन ड्रॉ कर देगा सिंपल। और तीसरे कहीं भी मैं जहाँ जहाँ पे एंकर पॉइंट जो है वो ऐड करता रहूँगा वहाँ वहाँ पर क्या करता रहेगा, ये हमारा शेप का फिल कलर ऐड करता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एंकर पॉइंट लिया था वहीं पे जब मैं क्लोज करूँगा आके तो क्या होगा कि पेन के साथ आप देखें ये शेप जो है ये मुकम्मल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, एंकर पॉइंट स्टार्टिंग एंकर पॉइंट और उसकी वही एंडिंग पॉइंट जो है उसके साथ मिलाएंगे तो हमारे पास शेप जो है वो क्लोज हो जाएगी। इस तरह हम काफ़ी ज़्यादा शेप्स वगैरह बना सकते हैं कस्टम, जो हमें चाहिए होती है वो हम यहाँ से इससे पेन टूल से बना सकते हैं शेप्स को। ठीक है, उसके बाद शेप्स में जब ऑप्शन में यहाँ पे आएंगे हमारे पास कुछ फिल कलर आ रहा है, फिल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है। ठीक है, अगर आप ब्लू नहीं चाहते, ब्लैक चाहते हैं तो ब्लैक कलर हो जाएगा हमारे पास, येलो चाहते हैं तो येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वाले कलर नहीं पसंद तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास और भी काफ़ी जो है लंबी लिस्ट है, आप यहाँ से जो कलर चाहते हैं वो, या फिर आप यहाँ से भी कलर को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल इसके ऊपर भी कलर को सेलेक्ट डबल क्लिक करेंगे लेयर के ऊपर आके तो यहाँ से जो है वो कलर पैलेट यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फिल। उसके बाद अगर आप फिल नहीं चाहते तो सिंपल ये हमारे पास ऑप्शन जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो फिल क्या हो जाएगा, हमारा वाइब हो जाएगा। आगे और ऑप्शन भी हैं, यहाँ पे ग्रेडिएंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं आप या कोई पैटर्न वगैरह तो आपके ऊपर है। ठीक है, सिंपल मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आगे भी हमारा जो शेप है उसका स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है, आउटलाइन हो जाती है। ठीक है, आउटलाइन में क्या होता है, अगर मैं इसका स्ट्रोक यहाँ से लेट्स सपोज मैं कोई येलो कलर का या ब्लैक कलर का स्ट्रोक ले लेता हूँ और उसके जो है वो वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्ट्रोक ऐड हो गया। ठीक है, आगे कलर इसका चेंज करना चाहेंगे तो आप कलर भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, सारा वही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद जो है आपको स्ट्रोक किस किस्म का चाहिए तो यहाँ पर जो है वो आप स्ट्रोक वगैरह की प्रॉपर्टी यहाँ होता है। अगर आपको डॉटेड में स्ट्रोक चाहिए ठीक है तो आपका ये डॉटेड में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको जो है वो ज़्यादा सारे डॉट्स चाहिए ठीक है तो ये हमारे पास, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो आपको जो है वो सही समझ आएगी। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और यहाँ से मैं इसको, ठीक है ये हमारे पास डॉटेड में आ गया। उसके बाद अगर इसको मैं और चेंज करूँ सिंपल तो मोर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो और ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर है, यहाँ से आप जो भी चीज़ें जो है वो सेट करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में इतना खास नहीं बता रहा, सिंपल ये है हमारे पास शेप। जब हम शेप टूल को सीखेंगे तो मैं ये आपको सारे टूल्स वगैरह जो है वो डिटेल में बता दूंगा। अब इस तरह मैंने आपको सिर्फ शेप का ओवरव्यू दे दिया कि शेप होती क्या है। यहाँ से भी हमारे पास कस्टम शेप्स हैं लेकिन अभी हम वो ड्रॉ नहीं कर रहे। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास पाथ, पाथ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जहाँ जहाँ पेन टूल से क्लिक करते रहेंगे वहाँ पे क्या होता रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एक ये पाथ बन गया है। अब पाथ अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखें एक वर्क पाथ ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
उसी में जो है इसमें ऐड हो गया। अगर आप न्यू ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पाथ वन पार्ट टू इस तरह जो है वो आपके न्यू पाथ ऐड होते रहेंगे, ठीक है। वर्क पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने इसको पाथ को सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको मेक सिलेक्शन करेंगे और ये आपसे कुछ पूछेगा रेडियस वगैरह क्या रखना है फैदर का, ओके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पाथ जो है वो सिलेक्शन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम सिलेक्शन को पाथ में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, पाथ हो गया, दोनों को मैं डिलीट करता हूँ सिंपल। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज हम जो है वो इसमें कर्व ड्रा करना चाहते हैं। अभी तो हमने स्ट्रेट लाइन सीख ली इसमें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये कर्व ड्रा करें। कर्व कैसे ड्रा करता है, आपने क्या करना है, ये माउस का क्लिक जो है छोड़े बगैर, ठीक है, क्लिक किया यहाँ पे मैंने सिंपल, क्लिक करने के बाद इसको आपने छोड़ना नहीं है और ड्रैग करना है। जिस भी डायरेक्शन में आप ड्रैग करेंगे ये हमारे पास क्या कर लेगा, कर्व बना लेगा, ठीक है। अब कर्व जो है वो क्या करते हैं, कर्व के साथ आप देखें यहाँ पे दो हैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो हैंडल है ये पिछली कर्व को कंट्रोल कर रहा है, ये इस कर्व को ये वाला हैंडल कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो हैंडल है ये हमारे पास नेक्स्ट जो आने वाली हमारे पास लाइन होगी, कर्व होगी, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने इस कर्व को क्या किया, कंट्रोल किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे कर्व हो, इससे आगे जो है मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो सिंपल आपने इस एंकर पॉइंट के ऊपर आके, अब आप एंकर पॉइंट के ऊपर आए हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पेन टूल है उसके साथ माइनस का साइन आ गया है। अगर आप इस पे ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं क्लिक करूंगा तो वैसे की वैसे होगा, ठीक है। आपने ऐसे क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है, इस हैंडल को बंद कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है। आपने ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट का बटन, ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके आपके पास आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पेन टूल के साथ एक न्यू आइकन आ गया है कैप की तरह का, ठीक है। इसके ऊपर सॉरी, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, हमारा नेक्स्ट हैंडल जो है वो गायब हो गया। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ये हमारी कर्व बन गई है और ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट लाइन आपने बना दी है और स्ट्रेट लाइन को बाद में भी कर्व में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये वाला क्लिक जो है ना, आप अगर यहाँ पे वो हो ये वाला क्लिक इसके ऊपर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास उसने एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया, ठीक है, वो कर्व को उसने क्या कर दिया, एंकर पॉइंट डिलीट करने के बाद ये वाला एंकर पॉइंट ऐसे ये वाला ज्वाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक। अब मुझे लगा कि मैंने जो है यहाँ पे क्लिक नहीं करना, मैंने जो है वो गलती होगी मेरे से, जो मैं एंकर पॉइंट कहीं और क्लिक करना चाहता हूँ। सिंपल आपने माउस का क्लिक जो है वो छोड़ना नहीं है, स्पेस बार प्रेस करना है और यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। स्पेस बार, माउस का क्लिक छोड़े बगैर आपने क्या करना है, स्पेस बार को जब आप क्लिक करेंगे तो आप एंकर पॉइंट कहीं और भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक बार क्लिक कर दिया तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे गलती हो गया, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करके रखें और स्पेस बार को प्रेस करें तो क्या करें, आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक पाथ बन गया। अगर आप इसी पाथ के ऊपर आगे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन मेक सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन ये वही ऑप्शन है, ओके करेंगे तो ये क्या बन गया, हमारे पास सिलेक्शन बन गया, ठीक है। इससे हम किसी भी शेप की जो है वो सिलेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास ये सिलेक्शन टूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आप पेन टूल से जो है वो एग्जैक्ट सिलेक्शन अगर आपको करनी हो या कोई कम्प्लेक्स सिलेक्शन हो तो यहाँ से आप पेन टूल से भी क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ट्रेसिंग के लिए जो है वो ये पेन टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए जो है आपको ये पेन टूल सारा इसके ऊपर चलाना आना चाहिए ताकि आप ट्रेसिंग अच्छी कर सकें। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल इसको मैं, एक तरीका तो ये हो गया कि आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मेक सिलेक्शन किया, एक सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सिंपल आप अगर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास सिलेक्शन करने के। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो नीचे और ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। ये है जी हमारे पास फ्री फॉर्म पेन टूल, ये क्या करता है, सिंपल आप ड्रैग करते चले जाएं तो ये खुद ही एंकर पॉइंट ऐड करता रहेगा और हमारे पास क्या करता रहेगा जी, सिलेक्शन वगैरह बनाता रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास सिलेक्शन है, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिलेक्शन बन जाएगी, इतना खास कोई नहीं है इसके अंदर। आगे जी कर्वेचर पेन टूल, कर्वेचर क्या करता है, अगर मैंने ये ड्रॉ किया सिंपल, ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट एंकर पॉइंट ऐड करूंगा तो ये खुद ही कर्व बना देगा, ठीक है। अब ये देखें कर्व्स क्या किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे है, ये हैंडल्स के बगैर जो है वो हमारे पास कर्व को ड्रॉ कर रहा होता है,
अभी मैंने आपको सिंपल पेन टूल से कर्व को ड्रॉ करना सिखाया, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, कर्व ड्रॉ कर रहा है। उसके बाद आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिलेक्शन बन जाएगी। तो यूँ भी आप जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आगे है जी एड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, उसके बाद है कन्वर्ट पॉइंट टूल। अब ये क्या क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक जो है वो बना लिया, बॉक्स बना लिया, ठीक है, पाथ बना लिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या करेगा, जिस भी लाइन के ऊपर आप जाएंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारा पेन टूल जो है इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करूँगा तो ये क्या कर देगा, एक और एंकर पॉइंट इस लाइन पे ऐड कर देगा। उसके लिए आपको ये इस ऐड वाले के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं सिंपल पेन टूल के ऊपर भी आऊँ, ठीक है, तब भी मैं इस लाइन के ऊपर आऊँगा तो मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, पेन टूल चेंज होने के प्लस के साइन में आ जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ भी क्या करेगा, एंकर पॉइंट, इसको आप ड्रैग करके बाद में क्या कर सकते हैं, कर्व्स वगैरह भी बना सकते हैं इसके हैंडल्स को कंट्रोल करने के बाद, वो आपके ऊपर आप जो है वो इसको कैसे यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिलीट के ऊपर आएंगे, डिलीट के ऊपर सिंपल डिलीट करना मैंने आपको सिखा दिया सिंपल, आप डिलीट के ऊपर आएंगे तो डिलीट करेगा हमारे पास ये एंकर पॉइंट डिलीट कर देगा, और यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारे पास क्या बना दिया इसने, डिलीट, ठीक है। डिलीट करना जो है वो अगर आप उसके सिंपल आप पेन टूल के ऊपर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर जाके सिंपल आपने क्या करना है, क्लिक करेंगे तो ये तब भी डिलीट कर देगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास लास्ट में कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये देखें ये क्या कर रहा है, हमारी स्ट्रेट लाइन को कर्व में ड्रा कर रहा है, ठीक है। यानी अगर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की हुई है तो हमारी इसको क्या कर देता है, ये कर्व में ड्रा कर देता है। यहाँ पे देखें आप इसको कर्व बना सकते हैं बाद में, उसको जो है वो और कर्व को स्ट्रेट लाइन ड्रम बना सकते हैं बाद में, ठीक है। ये आपके ऊपर आप जो है वो इसको कैसे यूज़ करेंगे सिंपल। मैं यहाँ से क्या करता हूँ इसको, मैं ये देखें यहाँ से मैंने इसका हैंडल डिलीट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया, यहाँ से डिलीट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया, यहाँ से डिलीट किया और यहाँ से जो है वो क्या कर दिया मैंने, डिलीट करके यूँ स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ बाद में। उसके बाद मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा तो यूँ की सिलेक्शन होगी कुछ। अब अगर मैं पेन टूल से ये करता हूँ सारा, तो यहाँ पे देखें आप, मैंने जैसे ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वही वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आप सिंपल पेन टूल के ऊपर रहते हुए आप ऐड एंकर पॉइंट भी कर सकते हैं, डिलीट एंकर पॉइंट भी कर सकते हैं, और कन्वर्ट पॉइंट टूल के ऊपर भी आप आ सकते हैं सिंपल पेन टूल के ऊपर रहते हुए, ठीक है। बजाय इसके कि आप बार बार ऑप्शन चेंज करें इसके ऊपर, सिंपल आप किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन शो करवाएगा, और जो ऑप्शन आपको चाहिए प्लस करना, माइनस करना या चेंज करना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन को आपने कर्व में चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास, लेट्स सपोज मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, पास कोई भी मैंने बना लिया सिंपल। अब मैं जो है वो क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं सिंपल इसको पकड़ के ड्रैग करूँ तो ये सिंपल हमारे पास पाथ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ ऐसे ड्रैग करके तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला एक एंकर पॉइंट क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अगर अब मैं इसको मूव करूँ तो ये देखें सिर्फ वही वाला एंकर पॉइंट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो यूँ भी आप एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद। इसको लाइन को सिलेक्ट कर लिया, दोनों एंकर पॉइंट मेरे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। दोनों अब जो सिलेक्टेड एंकर पॉइंट है उनके दरमियान देखें, ये हमारे पास अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखें जो मैंने सिलेक्ट किए हुए एंकर पॉइंट्स वो क्या हो गए हैं, ब्लू कलर के फिल हो गए, और जो सिलेक्टेड नहीं है वो क्या हो गए, वो सिंपल अब ये यहाँ पे ये भी सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये वाले दो हमारे मूव हो रहे हैं और वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं, ठीक है। ये बाकी तीन ऑप्शन है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। हम इस बैलून की सिलेक्शन जल्दी से बना लेते हैं, मैं आपको जो है वो ये थोड़ी सी इसकी सिलेक्शन जो है फास्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जो है वो ज़्यादा बोर ना हो, ठीक है। मैं इस बैलून की सिलेक्शन ले रहा हूँ सिंपल पेन टूल से, ये लें, ये मैंने इसकी क्या कर ली है, सिलेक्शन कर ली है। आप देखें ये बैलून को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिंपल थोड़ा सा रफली सिलेक्ट किया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ऊपर यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, अभी मेरे पास सिलेक्शन सिलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, इसकी सिलेक्शन उसके ऊपर एक पाथ जो है वो सिंपल आप ये समझ लें जनरेट कर दिया सिंपल। जैसे मैं यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखें इसने क्या कर दिया, एक वेक्टर मास्क हमें जनरेट कर दिया। जैसे हमने लेयर मास्क सीखा था, यहाँ पे हम लेयर मास्क को ऐड करते थे सिंपल, ठीक है, सिलेक्ट करके या जैसे भी हम लेयर मास्क ऐड करते थे उस समय वो हमें क्या कर देता था, एक
लेयर मास्क यहाँ पे जनरेट कर देता था। लेकिन इस पेन टूल ने, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले बताया आपको कि पेन टूल जो है वो हमारे पास वेक्टर शेप्स को बनाने के लिए काम करते हैं हम इसको, ठीक है, और तभी जो है इसने यहाँ पे क्या कर दिया, वेक्टर मास्क ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जी करता हूँ मैं सिंपल, और यहाँ पे हमारे पास ये शेप है, अगर शेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक क्या बना देगा, ये शेप बना देगा। बैलून थोड़ा मैंने रफली सिलेक्ट किया, इसलिए इसके एजेस शो हो रहे हैं, इसको बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपल आप जो है वो यहाँ से हमारे पास ट्रैक सिलेक्शन टूल लें आप, ठीक है, इस नोड को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हमारे पास इसके क्या हो गए, हैंडल शो होना शुरू हो गए, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ इसके, यहाँ पे ये देखें हैंडल इसके क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट अपने उस मर्जी से यहाँ से कर सकते हैं सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आप लाएं इसको तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, ये शेप बना दी इसने यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली, क्या हो गया, सिलेक्ट शेप बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी मैं फिलहाल के लिए कंट्रोल जी कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल जी नहीं, इसको डिलीट कर रहा हूँ सिंपल, इस पूरी शेप को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है। पेन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ आगे दोबारा, यहाँ पे हमारे पास कुछ आगे और मजीद ऑप्शन आ रहे हैं। ये हमारे पास कंबाइंड शेप्स, अगर हम शेप बनाइए उनको कंबाइन कर सकते हैं आपस में। सब्ट्रैक्ट, ये वही ऑप्शन है जो हम सिलेक्शन टूल में यूज करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ये वाले ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट है, अगर आपने जो है वो अलाइनमेंट वगैरह, ये तभी काम आते हैं जब हमारे पास मुख्तलिफ एक से ज़्यादा शेप्स हों, ठीक है। ये हमारे पास जो है प्रिंट शेप टू फ्रंट, यानी तीन चार शेप्स आपने एक दूसरे के ऊपर बनाई हो तब ये यूज़ होता है सबसे। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेन टूल की पाथ ऑप्शन जो है वो उसका चेंज कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे अगर मैं रेड करूँगा, अब पेन टूल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें पेन टूल की जो है वो पाथ जितना भी बन रहा है वो क्या हो रहा है, रेड कलर में बन रहा है। और इसकी थिकनेस जो है वो आप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं जितनी मर्जी, ये आपको जो है वो काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है। कलर चेंज करते रहेंगे तो कलर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लू कलर है, और यहाँ से जो जो आपको चाहिए अगर वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास ऑटो ऐड एंड डिलीट, ठीक है। ये मैं आपको न्यूज के ऊपर लेयर के ऊपर सिखाता हूँ, ये क्या होता है हमारे पास, अगर ये चेक रहने देते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक क्या कर रहा हूँ, मैंने ये एक शेप ड्रॉ कर ली, ठीक है, शेप सॉरी पाथ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ऑटो चेक रन देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जिस भी एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देखें मेरे जो है वो मैं उसको एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, अनचेक करने के बाद मैं इस एंकर पॉइंट के ऊपर आके क्लिक करूंगा, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या ऑप्शन देता है कि आप एंकर पॉइंट को जब आप पास बना रहे हो या शेप बना रहे हो, तो आप जो है वहां पे ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, ये किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ऐड, या कहीं भी एंकर पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं, या जो एंकर पॉइंट पहले से हमको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है वो चेक रहने दें, ताकि आपका बार बार आपको जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में चेंज आना पड़े, ठीक है। सिंपल आप डिज़ाइन बनाते वक्त ही अपना जो है वो एंकर पॉइंट आइडिया डिलीट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे हमारे पास पेन टूल के, उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।